हम बातें कर रहे हैं दिल से। मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील। दोस्तों, जब हम में अखंडता या ईमानदारी होती है तो हमारे शब्दों और हमारे कामों में समानता होती है। हम जैसे हैं वैसे ही दिखते हैं, चाहे हम कहीं भी रहें या किसी के साथ भी रहें। लेकिन दोस्तों, कहते हैं कि आजकल ईमानदारी लुप्त होती जा रही है। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि आजकल ईमानदारी सचमुच गायब होती जा रही है? क्या आपको लगता है कि चरित्र के व्यक्तिगत मापदंड गिरते जा रहे हैं? क्योंकि दुनिया भर में लोग व्यक्तिगत आनंद और सफलता के शॉर्टकट की फटाफट दौड़ में जुटे हुए हैं। दोस्तों, जॉब के एप्लीकेशन फॉर्म में ये सवाल लिखा था, क्या आपको कभी गिरफ्तार किया गया है? आवेदक ने उसके सामने लिख दिया, नहीं। अगला सवाल इसी से जुड़ा हुआ था। इसमें पूछा गया था, क्यों? आवेदक को इस बात का एहसास नहीं था कि उसे इस सवाल का जवाब देने की कोई जरूरत नहीं थी। इस ईमानदार और थोड़े मासूम आवेदक ने लिखा, शायद इसलिए क्योंकि मुझे कभी पकड़ा नहीं गया। अखबार के कार्टून में एक कंपनी प्रेसिडेंट अपने स्टाफ के सामने घोषणा करता है, सज्जनों, इस साल हमारी नीति होगी ईमानदारी। टेबल के एक तरफ बैठा एक वाइस प्रेसिडेंट बोलता है, बहुत बढ़िया। तब दूसरी तरफ बैठा दूसरा वाइस प्रेसिडेंट बुदबुदाता है, लेकिन इसमें कितना जोखिम है? हम बातें कर रहे हैं दिल से। मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील। दोस्तों, नवजात शिशु यानी न्यू बॉर्न बेबी बंद मुट्ठी के साथ पैदा होता है, आदमी हाथ खुले रखकर मरता है। जिंदगी किसी तरह से उन चीजों के बंधन को ढीला कर देती है जिन्हें हम इतना महत्वपूर्ण समझते हैं। अमेरिका के गैरी रेडिंग मैसाचुसेट्स के सेनेटर पॉल टोंगास के बारे में ये कहानी बताते हैं। जनवरी 1984 में 1984 में उन्होंने घोषणा की कि वो अमेरिकी सेनेट से रिटायर हो रहे हैं और दोबारा चुनाव नहीं लड़ेंगे। सेनेटर टोंगास उभरते हुए पॉलिटिकल स्टार थे। दोबारा चुने जाने की उनकी संभावना बहुत मजबूत थी और कई लोग तो ये भी कह चुके थे कि वो भविष्य में अमेरिका के राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार भी बन सकते हैं। अपने रिटायरमेंट की घोषणा करने के कुछ सप्ताह पहले टोंगास को पता चला कि उन्हें कैंसर हो गया था। यह लिम्फैटिक कैंसर था जो पूरी तरह ठीक तो नहीं हो सकता था, लेकिन इसका इलाज किया जा सकता था। संभावना इस बात की थी कि इससे उनकी शारीरिक क्षमता या जीवन आशा पे बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। इस बीमारी ने सीनेटर टोंगास को सीनेट से रिटायर होने के लिए मजबूर नहीं किया, लेकिन इसने उन्हें अपनी मृत्यु के सच्चाई का सामना करने के लिए जरूर मजबूर किया। सीनेटर पॉल टोंगास जान गए थे कि वो जो काम करना चाहते थे उन सबको नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों, आपके जहन में अब ये सवाल होगा कि ऐसे कौन से काम थे जो वो अपने बचे हुए जीवन में सचमुच करना चाहते थे। ये मैं आपको बताऊंगा। हम बातें कर रहे हैं दिल से। मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील। दोस्तों, लिम्फैटिक कैंसर की बीमारी ने सीनेटर टोंगास को सीनेट से रिटायर होने के लिए मजबूर नहीं किया, लेकिन इसने उन्हें अपनी मृत्यु की सच्चाई का सामना करने के लिए जरूर मजबूर किया। वो जान गए थे कि वो जो काम करना चाहते थे उन सबको नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे कौन से काम थे जो वो अपने बचे हुए जीवन में सचमुच करना चाहते थे? सीनेटर टोंगास ने फैसला किया कि अगर उन्हें अपनी हर मनचाही चीज नहीं मिल सकती तो जीवन में उनकी सबसे बड़ी ख्वाहिश ये थी कि वो अपने परिवार के साथ रहें और अपने बच्चों को बड़ा होते देखें। जीवन में यही उनकी सबसे बड़ी ख्वाहिश थी। देश के कानूनों को आकार देने या इतिहास की पुस्तकों में अपना नाम लिखवाने के बजाय
उन्होंने यही करने का फैसला लिया। उनके निर्णय की घोषणा के कुछ समय बाद ही एक दोस्त ने चिट्ठी लिखकर सीनेटर टोंगास को बधाई दी कि उन्होंने अपनी प्रायोरिटीज सही चुनी थी। चिट्ठी में लिखा था, मृत्यु शैया पे लेटे हुए किसी आदमी ने आज तक ये कभी नहीं कहा, काश मैंने अपने बिजनेस में थोड़ा ज्यादा समय दिया होता। हम बातें कर रहे हैं दिल से, मैं आपका दोस्त आपका अजीज सुशील। दोस्तों, अगर आपको सिर्फ एक ही खत लिखना हो तो आपको इसे लिखने में पूरा दिन लग जाएगा, और अगर आपको 20 खत लिखने हो तो इन्हें लिखने में भी आपको एक ही दिन लगेगा। दोस्तों, ऐसा क्यों होता है? हमारे काम का सबसे बेहतरीन समय कब होता है? छुट्टियों पे जाने से पहले वाला सप्ताह। हम अपनी सारी जिंदगी उसी तरह से क्यों नहीं जी सकते जिस तरह हम उस सप्ताह में जीते हैं जब हम ऑफिस छोड़कर जाते हैं। हम उस सप्ताह में जिस तरह निर्णय लेते हैं, अपनी मेज खाली करते हैं, टेलीफोन का जवाब देते हैं, वैसा हम हर दिन क्यों नहीं कर पाते? आम हालात में हम कुशल होते हैं, चीजों को सही तरह से करते हैं, लेकिन जब समय का दबाव हम पे हावी होने लगता है या अर्जेंट सिचुएशंस आ जाती हैं, इमरजेंसी आ जाती है, तो हम प्रभावी हो जाते हैं, सही चीजें करते हैं। दोस्तों, कुशल होना बचे रहने की बुनियाद है। इफेक्टिव होना यानी प्रभावी होना सफलता की बुनियाद है। समय की डेडलाइन और आपातकालीन स्थितियां यानी अर्जेंट सिचुएशंस में हम अपनी प्रायोरिटीज बदल देते हैं। हम बातें कर रहे हैं दिल से, मैं आपका दोस्त आपका अजीज सुशील। दोस्तों, 14 अप्रैल 1912 को विराट समुद्री जहाज टाइटैनिक अटलांटिक के एक आइसबर्ग से टकराया और डूब गया, जिसमें बहुत से लोग मर गए। इस दुर्घटना के बाद बहुत सी अनोखी कहानियां सुनने को मिली, जिनमें से एक उस महिला की थी जिसे लाइफ बोट में जगह मिली थी। उसने जब ये पूछा कि क्या वो अपने कमरे में जाकर कोई चीज ला सकती है, तो उसे ऐसा करने के लिए सिर्फ 3 मिनट का समय दिया गया। जब वो समुद्री जहाज टाइटैनिक की गलियारों में भाग रही थी तो फर्श पे पैसे और कीमती हीरे जवाहरात पड़े थे जो जल्दबाजी में नीचे गिर गए थे। वो उन्हें लांगती हुई चली गई, अपने कमरे में जाकर अपने कीमती जेवरों को अनदेखा कर दिया और उनके बजाय झपट कर 3 संतरे यानी 3 ऑरेंजेस उठा लिए। फिर वो फौरन नाव में अपनी जगह पे लौट आए। दोस्तों, कुछ घंटे पहले उसे यही विचार बेहुदा लगता कि वो एक छोटे से हीरे के बदले में संतरों का टोकरा स्वीकार करेगी, लेकिन हालात ने अचानक जहाज पे वैल्यूज को बदल दिया था, मूल्यों को चेंज कर दिया था। इमरजेंसी ने, आपातकालीन स्थिति ने उसकी प्रायोरिटीज को नए सिरे से स्पष्ट कर दिया था। समय की डेडलाइन और अर्जेंट सिचुएशंस में हम अपनी प्रायोरिटीज चेंज करते हैं। हम बातें कर रहे हैं दिल से, मैं आपका दोस्त आपका अजीज सुशील। दोस्तों, बड़े लक्ष्य हासिल न हो पाने का कारण क्या होता है? अक्सर बड़े लक्ष्य हासिल न हो पाने का कारण यह है कि हम छोटी चीजों को पहले करने में अपना समय बिता देते हैं। कुछ साल पहले अखबार की सुर्खियों में यह पढ़ने को मिला कि 300 व्हेल मछलियां अचानक मर गईं। ये 300 व्हेल मछलियां सार्डाइन मछलियों का पीछा कर रही थी और अचानक उन्होंने अपने आप को एक खाड़ी में कैद पाया। दोस्तों, इमेजिन करिए, वो समंदर से खाड़ी में पहुंच गई थी सार्डाइन मछलियों का पीछा करते करते। छोटी मछलियों ने समंदर के शहंशाहों को लालच देकर उनकी मौत का इंतजाम कर दिया। व्हेल मछलियां छोटे लक्ष्यों का पीछा करके और महत्वहीन लक्ष्यों के लिए अपनी विराट शक्ति का प्रयोग करके हिंसक मौत का शिकार हुई।
हम छोटी चीजों को पहले करने में अपना समय बिता देते हैं और फिर अपने बड़े लक्ष्य हासिल नहीं कर पाते। हम बातें कर रहे हैं दिल से, मैं आपका दोस्त आपका अजीज सुशील। दोस्तों, जब छोटी प्रायोरिटीज हमारा बहुत सा समय ले लेती हैं तो बड़ी समस्याएं पैदा होती हैं। अक्सर जीवन की छोटी छोटी चीजें हमें उलझाकर गिरा देती हैं। इसका एक उदाहरण है फ्लोरिडा के एवरग्लेड्स में ईस्टर्न एयरलाइंस के जंबो जेट की दुर्घटना। फ्लाइट 401 के नाम से मशहूर ये हवाई जहाज छुट्टी पे जा रहे खचाखच भरे यात्रियों के साथ न्यूयॉर्क से मायामी जा रहा था। जब हवाई जहाज उतरने के लिए मायामी एयरपोर्ट के पास पहुंचा तो वो बल्ब नहीं जला जिससे लैंडिंग गियर के सही तरह से काम करने का संकेत मिलता है। हवाई जहाज एवरग्लेड्स के दलदल के ऊपर बड़े बड़े गोल चक्कर लगाता रहा और इस समय कॉकपिट में बैठे ऑफिसर्स इस जांच में लगे थे कि क्या गियर सचमुच में काम नहीं कर रहा था या फिर सिग्नल लाइट का बल्ब खराब हो गया था। जब फ्लाइट इंजीनियर ने बल्ब को निकालने की कोशिश की तो बल्ब हिला भी नहीं। दूसरे कर्मचारी भी उसकी मदद के लिए आ गए। जब वो बल्ब निकालने के लिए जूझ रहे थे तो किसी ने भी ये नहीं देखा कि हवाई जहाज नीचे आता जा रहा था और फिर वो सीधे दलदल में गिर गया। उस दुर्घटना में दर्जनों लोग मर गए। जब ऊंची तनख्वाह वाले अनुभवी पायलट महज $1 की कीमत के बल्ब से जूझ रहे थे उस समय हवाई जहाज यात्रियों के साथ सीधे जमीन से जा टकराया। जब छोटी प्रायोरिटीज हमारा बहुत सा समय ले लेती हैं दोस्तों तो बड़ी समस्याएं पैदा हो जाती हैं। हम बातें कर रहे हैं दिल से, मैं आपका दोस्त आपका अजीज सुशील। दोस्तों, एक लाइट हाउस का पहरेदार था जो समंदर किनारे के चट्टानी क्षेत्र में नियुक्त था। उसे रोशनी जलाए रखने के लिए महीने में एक बार तेल की सप्लाई दी जाती थी। क्योंकि वो समुद्री किनारे से ज्यादा दूर नहीं था इसलिए कई लोग उससे मिलने आते थे। एक रात गांव की एक महिला ने उसे थोड़ा सा तेल देने का आग्रह किया ताकि उसका परिवार गर्म रह सके। कुछ समय बाद एक पिता ने उससे अपनी चिमनी के लिए थोड़ा सा तेल मांगा। फिर किसी दूसरे व्यक्ति ने पहिए में डालने के लिए तेल मांगा। क्योंकि सभी आग्रह उचित लग रहे थे इसलिए लाइट हाउस के पहरेदार ने हर एक को खुश रखने की कोशिश की और सबको तेल दे दिया। महीने के आखिर में उसने देखा कि उसकी तेल की सप्लाई खत्म हो रही थी। बहुत जल्द तेल खत्म हो गया और मशाल बुझ गई। उस रात कई जहाज चट्टानों से टकराए और बहुत से लोग मर गए। जब अधिकारियों ने जांच की तो लाइट हाउस का पहरेदार बहुत पछता रहा था। उसके बहानों और पछतावे पे अधिकारियों का जवाब था, तुम्हें तेल सिर्फ एक उद्देश्य के लिए दिया गया था, उस मशाल को जलाए रखने के लिए। हम बातें कर रहे हैं दिल से, मैं आपका दोस्त आपका अजीज सुशील गजवानी। दोस्तों, 1300 सीनियर एग्जीक्यूटिव्स ने हाल ही में एक सर्वे में भाग लिया और उनके अनुसार बिजनेस में सफलता के लिए सबसे जरूरी गुण है अखंडता यानी ईमानदारी। 75% एग्जीक्यूटिव्स ने इसे उन 16 गुणों की सूची में सबसे ऊपर रखा जो किसी एग्जीक्यूटिव की इफेक्टिवनेस बढ़ाने के लिए जिम्मेदार हैं। दोस्तों, हम अक्सर ये भूल जाते हैं कि घर पे भी ईमानदारी से प्रभाव पड़ता है। दोस्तों, एक यहूदी लड़का, एक ज्यू लड़का कई साल पहले जर्मनी में बड़ा हुआ। ये बच्चा अपने पिता का दिल से सम्मान करता था। उसके पिता इस बात पे जोर देते थे कि पूरा परिवार यहूदी धर्म के सिद्धांतों के आधार पे चले। पिता पूरी निष्ठा से परिवार को यहूदियों की पूजा स्थल सिनागॉग ले जाते थे। बहरहाल, किशोरावस्था में बच्चे के परिवार को जर्मनी के एक कस्बे में रहने जाना पड़ा। इस कस्बे में एक भी सिनागॉग नहीं था, सिर्फ एक चर्च थी।
समुदाय का पूरा जीवन चर्च के आसपास घूमता था। सभी अच्छे और सफल लोग इस चर्च के सदस्य थे। अचानक पिता ने परिवार के सामने घोषणा की कि पूरा परिवार अपना यहूदी धर्म त्याग देगा और चर्च का सदस्य बनेगा। जब स्तब्ध परिवार ने इसका कारण पूछा तो पिता ने समझाया कि ऐसा करने से उन्हें बिजनेस में ज्यादा फायदा होगा। उनके किशोर लड़के को बहुत आश्चर्य हुआ और वो उलझन में पड़ गया। उसकी गहरी निराशा जल्दी ही गुस्से में बदल गई और उसके अंदर एक तीखी कड़वाहट भर गई जो उसे जीवन भर परेशान करती रही। बाद में उस लड़के ने क्या किया, उसके साथ क्या हुआ, ये मैं आपको बताऊंगा। हम बातें कर रहे हैं दिल से, मैं आपका दोस्त आपका अजीज सुशील गजवानी। दोस्तों, जब पिता ने परिवार के सामने घोषणा की कि पूरा परिवार अपना यहूदी धर्म त्याग देगा और चर्च का सदस्य बनेगा, तब सारा परिवार स्तब्ध हो गया। जब परिवार ने इसका कारण पूछा तो पिता ने समझाया कि ऐसा करने से उन्हें बिजनेस में ज्यादा फायदा होगा। उनके किशोर बेटे को बहुत आश्चर्य हुआ और वो उलझन में पड़ गया। उसकी गहरी निराशा जल्दी ही गुस्से में बदल गई और उसके अंदर एक तीखी कड़वाहट भर गई जो उसे जिंदगी भर परेशान करती रही। बाद में वो लड़का जर्मनी से बाहर निकला और पढ़ाई करने के लिए इंग्लैंड चला गया। हर दिन वो ब्रिटिश म्यूजियम में जाता था जहां उसका दिमाग नए विचारों के चिंतन में लगा रहता था, क्योंकि वो एक किताब लिख रहा था। इस किताब में उसने दुनिया को देखने का बिल्कुल ही अलग और नया नजरिया दिया और एक ऐसा आंदोलन शुरू किया जिसका मकसद पूरी दुनिया को बदल कर रख देना था। उसने धर्म को जनता की अफीम कहा। जो लोग उसके पीछे आए उनसे उसने ईश्वर के बिना जीवन जीने की शपथ ली। उसके विचार दुनिया के लगभग आधे लोगों की सरकारों के सिद्धांत बन गए। उसका नाम, दोस्तों सोचिए उसका नाम क्या था। उस लड़के का नाम था कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स साम्यवादी आंदोलन के संस्थापक, कम्युनिस्ट मूवमेंट के संस्थापक, मार्क्सिज्म के फाउंडर। कार्ल मार्क्स, इनके नाम से ही आया मार्क्सिज्म। 20वीं सदी का इतिहास और शायद इससे भी आगे का इतिहास महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित हुआ और इसका कारण सिर्फ इतना था क्योंकि एक पिता ने अपने जीवन मूल्यों को, अपने वैल्यूज को विकृत हो जाने दिया। इससे जन्म हुआ मार्क्सिज्म का, कम्युनिज्म का। और मार्क्सिज्म का जनक था वो किशोर लड़का जिसके पिता ने अपने धर्म को अपने फायदे के लिए बदल दिया था, कार्ल मार्क्स। हम बातें कर रहे हैं दिल से, मैं आपका दोस्त आपका अजीज सुशील। दोस्तों, प्राचीन चीन में उत्तर दिशा से बर्बर जातियां आक्रमण कर देती थीं। चीन के निवासियों ने उनसे सुरक्षा के लिए अपनी ऐतिहासिक बड़ी दीवार बनाई। ये दीवार इतनी ऊंची थी कि उन्हें लगा इसे कोई लांघ नहीं पाएगा और इतनी मोटी थी कि उन्हें लगा इसे कोई तोड़ नहीं पाएगा। वो बेफिक्र होकर जीवन का आनंद लेने लगे। दीवार बनने के 100 साल के भीतर चीन पर 3 बार हमले हुए, लेकिन बर्बर लोगों के झुंड एक बार भी दीवार को तोड़ नहीं पाए, नहीं इसे लांग पाए। हर बार उन्होंने किसी पहरेदार को रिश्वत दी और वो दरवाजों से सीधे अंदर घुस आए। चीन के निवासी पत्थर की दीवारों पर भरोसा करने में इतने व्यस्त थे कि वे अपने बच्चों को ईमानदारी सिखाना ही भूल गए। हम बातें कर रहे हैं दिल से, मैं आपका दोस्त आपका अजीज सुशील। दोस्तों, बिजली का एक बल्ब बदलने के लिए कितने लोगों की जरूरत होती है? जवाब जाहिर है, 4 लोगों की। एक आदमी की बल्ब बदलने के लिए और 3 लोगों की ये याद करने के लिए कि पुराना बिजली का बल्ब कितना अच्छा था। इस तरह के लोगों से मुझे
सेना के एक सर्जन की याद आ जाती है जिसे एक कैंप में एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर्स के सामने घास के मैदान की जिम्मेदारी सौंपी गई। सर्जन ने फौरन एक सिपाही को यह काम दे दिया और उसे आदेश दिया कि वो हर दिन 5 बजे घास में पानी दे। सिपाही ईमानदारी से यह काम करने लगा। एक दिन भयंकर तूफान आया और जब सर्जन बैरक में गया तो उसने देखा कि सिपाही मजे से सो रहा है। सर्जेंट जमकर चीखा, तुम्हें क्या हो गया है? देखो 5 बज रहे हैं और इस समय तुम्हें बाहर जाकर घास में पानी देना रहता है। उलझन में डूबे सिपाही ने जवाब दिया, लेकिन सर्जन बाहर बारिश हो रही है, तूफान की तरफ देखिए। सर्जन चीखा, तो उसे क्या हुआ? तुम्हारे पास बरसाती तो है? कोई भी चीज तब तक कभी नहीं होती जब तक कि हर व्यक्ति को यह विश्वास न हो जाए कि इसे करना चाहिए और उन्हें यह विश्वास इतने लंबे समय से हो कि अब कोई दूसरी चीज करने का वक्त आ चुका हो। हम बातें कर रहे हैं दिल से, मैं आपका दोस्त आपका अजीज सुशील। दोस्तों ये याद रखना महत्वपूर्ण है कि अगर हम जैसे हैं वैसे ही बने रहें तो हम वो नहीं बन सकते जैसे हमें बनना चाहिए। जब आप बदलना बंद कर देते हैं तो आप भी बंद हो जाते हैं। दोस्तों जब आप अल्फ्रेड नोबल का नाम सुनते हैं तो आपको कौन सी चीज याद आ जाती है? हमारे दिमाग में नोबेल पीस प्राइज याद आ जाता है। बहरहाल ये तो उनकी कहानी का सिर्फ दूसरा अध्याय था। अल्फ्रेड नोबल स्वीडन के केमिस्ट थे जिन्होंने डायनामाइट और हथियार बनाने में दूसरे शक्तिशाली एक्सप्लोजिव्स का विस्फोटकों का आविष्कार करके अपनी दौलत कमाई। जब उनके भाई की मौत हुई तो एक अखबार ने गलती से अल्फ्रेड की श्रद्धांजलि छाप दी। इसमें लिखा था कि मृत आदमी अमीर इसलिए बना क्योंकि उसने लोगों को एक दूसरे को अभूतपूर्व संख्या में मारने में सक्षम बनाया। इस मूल्यांकन से विचलित होकर अल्फ्रेड नोबल ने यह संकल्प किया कि भविष्य में वो अपनी दौलत का उपयोग मानवता को लाभ पहुंचाने वाली उपलब्धियों को पुरस्कार देने में करेंगे। अल्फ्रेड नोबल को अपने जीवन के अंत में अपना मूल्यांकन करने का दुर्लभ अवसर मिला और उसके बाद वो इतने समय तक जीवित भी रहे कि वो उस मूल्यांकन को बदल सके। दोस्तों परिवर्तन के लिए कभी देर नहीं होती। हम बातें कर रहे हैं दिल से, मैं आपका दोस्त आपका अजीज सुशील गजवानी। दोस्तों ईश्वर चुनता है कि हम किन परिस्थितियों से गुजरेंगे, हम चुनते हैं कि हम इन परिस्थितियों से कैसे गुजरेंगे। यह विक्टर फ्रैंकल के नजरिए का बेहतरीन वर्णन है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान विक्टर को जर्मनी के नाजी कॉन्सेंट्रेशन कैंप में बुरी तरह यातना दी गई। यातना दे रहे लोगों से उन्होंने जो शब्द कहे वो लाखों लोगों के लिए प्रेरणा है। विक्टर फ्रैंकल ने कहा था, तुम मुझसे एक चीज कभी नहीं छीन सकते, मेरे साथ जो तुम कर रहे हो उस पे प्रतिक्रिया करने का मेरा चुना हुआ तरीका। किसी परिस्थिति में अपने नजरिए को चुनना हर व्यक्ति की अंतिम स्वतंत्रता है, फाइनल फ्रीडम है। हम बातें कर रहे हैं दिल से, मैं आपका दोस्त आपका अजीज सुशील। दोस्तों क्लारा बार्टन अमेरिकन रेड क्रॉस की संस्थापक थीं, फाउंडर थीं। उन्होंने गलत परिस्थितियों में भी सही नजरिए के महत्व को समझ लिया था। ऐसा कभी नहीं हुआ कि उन्होंने अपने मन में किसी के प्रति द्वेष रखा हो। एक बार एक दोस्त ने उन्हें एक बुरी घटना याद दिलाई जो कुछ साल पहले क्लारा के साथ हुई थी, लेकिन क्लारा को वो घटना याद नहीं आई। दोस्त ने पूछा, क्या तुम्हें वो क्रूर व्यवहार याद नहीं है जो तुम्हारे साथ हुआ था? नहीं, क्लारा ने शांति से जवाब दिया, मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं उसे भूल चुकी हूं।
दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि जो लोग जीवन में बुरी स्थितियों से गुजरते हैं वो कटु और नाराज बन जाते हैं। लंबे समय में उनका जीवन नकारात्मक हो जाता है और वो दूसरों के प्रति कठोर हो जाते हैं। उनकी ये आदत होती है कि वो अतीत के किसी मुश्किल समय की ओर इशारा करके कहेंगे, उस घटना ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। उन्हें इस बात का एहसास नहीं हो पाता दोस्तों कि इस घटना में एक नजरिए का निर्णय लिया जाना था, एक प्रतिक्रिया, एक रिएक्शन। उनका जीवन स्थिति की वजह से बर्बाद नहीं होता, वो तो गलत नजरिया चुनने की वजह से बर्बाद होता है। व्हाट डू यू थिंक दोस्तों? हम बातें कर रहे हैं दिल से, मैं आपका दोस्त आपका अजीज सुशील। दोस्तों ईमानदारी की नींव पे अपना जीवन बनाने के लिए एडगर गेस की कविता क्या मैं अपने प्रति ईमानदार हूं का प्रयोग एक मिरर टेस्ट के रूप में करें ताकि आप अपने काम का मूल्यांकन कर सकें। यह कविता इंग्लिश में है, मैं आपको इसका हिंदी वर्जन सुना रहा हूं। क्या मैं अपने प्रति ईमानदार हूं? मुझे अपने साथ रहना है और इसलिए मैं इस लायक बनना चाहता हूं कि खुद को जानूं। गुजरते वक्त के साथ मैं चाहता हूं हमेशा अपनी आंखों में आंखें डालकर देखना। मैं नहीं चाहता डूबते सूरज के साथ खड़े रहना और अपने किए कामों के लिए खुद से नफरत करना। मैं अपनी अलमारी में रखना नहीं चाहता अपने बारे में बहुत से रहस्य और आते जाते ये सोचने की मूर्खता नहीं करना चाहता कि किसी दूसरे को पता नहीं चलेगा कि मैं सचमुच किस तरह का आदमी हूं। मैं छल की पोशाक नहीं पहनना चाहता, मैं सर उठाकर बाहर जाना चाहता हूं। मैं सभी लोगों का सम्मान पाना चाहता हूं, लेकिन दौलत और शोहरत के इस संघर्ष में मैं चाहता हूं कि खुद को पसंद करूं। मैं खुद की तरफ देखकर यह नहीं सोचना चाहता कि मैं शेखी बाज हूं, झूठा हूं और खोखला नाटक कर रहा हूं। मैं खुद की निगाह से कभी नहीं छुप सकता, मैं खुद की निगाह से कभी नहीं छुप सकता। मैं वो देखता हूं जो दूसरे कभी नहीं देख सकते, मैं वो जानता हूं जो दूसरे कभी नहीं जान सकते। मैं कभी अपने आप को मूर्ख नहीं बना सकता और इसलिए चाहे जो हो मैं बनना चाहता हूं आत्मसम्मान से पूर्ण और मुक्त अंतरात्मा वाला। और इसलिए चाहे जो हो मैं बनना चाहता हूं आत्मसम्मान से पूर्ण और मुक्त अंतरात्मा वाला। इसीलिए दोस्तों हमेशा अपने दिल की बात सुनो, क्योंकि दिल आखिर दिल है, दिल आपका आईना है। अपने दोस्त अपने अजीज सुशील गजवानी को इजाजत दीजिए। गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बा खैर।